गाइस अभी हम लोग है कामारगंज के फ्लाईओवर में। किधर जा रहे हो लड़की? चंदने बनान जानन इयाकीगा। अरे मेरे को डर रहा है, मेरे को डर लग रहा है। लिफ्ट भी बंद हो गया रे। गाइज दिस इज मी श्रेया एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो गाइज बहुत दिनों के बाद हमको छुट्टी मिला, तो भाई ने बोला इसलिए कि हमको कहीं पे घूमने लेके जाएंगे। तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो देखते रहे हम लोग कहाँ घूमने जाते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहे। व्लॉगर कहाँ जाएगी बे? पता नहीं, तुम बहुत लेट करके आए हो, पता नहीं आप कहाँ जाएंगे। मेरे को काम था ना इसलिए लेट हो गया। मस्त जोक मारा रे। अब कौन लेट कर रहा है? मैं नहीं ले, बस हम लिपस्टिक लगाएंगे, फिर जल्दी से जाएंगे घूमने। किधर? तुमको पता है? अच्छा ठीक है, व्लॉग में दिखाई जाएगा। A few moments later. So guys, अभी हम रेडी हो गए और अभी हम लोग सारे घूमने के लिए फाइनली। तो देखते हैं हम कहाँ पे घूमने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे बचपन के जगह में विंडो दिया। देखते हैं, मेरा बहुत सारा फ्रेंड इधर रहता है, तो चलिए भी लेंगे उधर से। चलो बताओ कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा ही लग रहा है, मतलब सच में बता, पुरानी यादें ताजा हो गई क्या? हाँ, बचपन में एक बार आए थे हम, भाई तब बहुत ही छोटे थे, स्कूल फ्रेंड्स सब मिलकर हम लोग सड़क देखने आए थे, तो अच्छा लग रहा है। तो ये मॉल बस मूवी के लिए फेमस है, SBF है, इधर नॉरेंद्रपुर का SBF है। तो ये मॉल का नाम है फूड स्क्वायर मॉल। तो अभी हम लोग हैं नॉरेंद्रपुर फूड स्क्वायर मॉल में, तो इधर थोड़ा घूमेंगे, थोड़े फ्रेंड्स में जाएंगे, कपड़े नहीं खरीदे क्योंकि हमको बहुत ही गरीब है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो इस तरह से देखेंगे, मतलब बस एक्सप्लोर करेंगे और क्या। तो चलिए अभी फ्रेंड्स इधर क्या जा रहे हैं, इधर जाते हैं। गाइस अभी हम लोग मॉल के थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे आप देख सकते हैं इधर फर्नीचर का दुकान है, इधर शायद कुछ होगा, मतलब अभी तक तैयारी चल रहा है। तो इधर एक ये कैफे है, द कॉफी शॉप है, और इधर है एक रेस्टोरेंट द फ्लेवर्स बोल के। इधर हैप्पी आवर्स चलता है, तो आपको हैप्पी आवर्स का ऐसा मेनू दिखा देते हैं। हम लोग अभी अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग खाने नहीं आए। ये है हैप्पी आवर का टाइमिंग, 4 PM to 7 PM। आप देख सकते हो बहुत सारा मेनू है, आप लोग इधर आके खाना खा सकते हो। अरे वो पागल लड़की, तो कैसा मॉल है ये? कुछ भी नहीं है, सब बंद है, देख सकते हो कितना खाली है, सब बंद है, देखो सब बंद है। ये हम लोग अभी है सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे SBF है, जिधर आप लोग मूवी देख सकते हो। तो मूवी का गेट उधर है, हम लोग मूवी देखकर नहीं आया था, हम लोग बस ये मॉल का एक्सप्लोर करने आए थे। लेकिन ये मॉल उतना भी खास नहीं, मतलब सब कुछ इधर बंद है, कहाँ घूमने आएंगे हम लोग? हमको लगता है कि इधर ये मूवी देखने के लिए फेमस है, SBF सब बोलते हैं और मूवी देखने के लिए। तो पॉकेट फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली है, इधर आप ऊपर थर्ड फ्लोर पे खाना भी खा सकते हो और मूवी भी देख सकते हो। इधर बहुत ही कम प्राइस में मूवी का टिकट भी मिलता है, खाने में बहुत सारा कॉम्बो वगैरह है, आपको दिखाया। हम पसंद नहीं आए वो, चलो बाय बाय। So, अभी हम लोग आए फोर्थ फ्लोर पे। अबे फोर्थ फ्लोर पे क्यों, हम तो नीचे जाएंगे। ये क्या है फोर्थ फ्लोर पे, क्या है? अबे मेरे को डर रहा है, मेरे को डर लग रहा है, लिफ्ट भी बंद हो गया अभी। रन ये क्या था, ये मॉल के ऊपर है, मतलब ये मॉल में पूरा क्या ही बोले इसके बारे में, कुछ नहीं बोला, खत्म, बाय बाय टाटा। जल्दी से खोलो, डर जाना मम्मी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। कैसा कर रहा है बे, लोग देखेंगे बे। कुजार के दिन खुश। फाइनली बाहर आ गए।
क्या हुआ, मजा आ गया? ये देखो हम नीचे कैसे उतरेंगे, मतलब एस्केलेटर भी बंद है। अबे वो ऑटोमेटिक है वे। जीरो में जा रहा था। अबे वो ऑटोमेटिक है। नहीं वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो तो चल रहा है। तो इधर आ अभी जाके दिखाओ ये क्या था मैंने क्या बोला था? गजब बेइज्जती है। ये कैसा है, मतलब साउथ सिटी में तो ऐसा नहीं होता, मनी स्क्वायर में तो ऐसा नहीं होता। वो गरीब है, ये अमीर मॉल है भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हाँ दिख रहा है कितना अमीर मॉल है वहाँ पर। अगर आप लोग स्किप करके नहीं देख रहे तो आपको पता चल गया कितना अमीर वाला मॉल है। Wait a minute. So guys, अभी हम लोग इधर से निकल जा रहे हैं। ये है फूड स्क्वायर मॉल का पार्किंग एरिया बेसमेंट में। तो ये हमको पसंद नहीं आए मॉल, मतलब मूड का कचरा हो गया, तो इसलिए चलो हमको कोई अच्छा अच्छा जगह पे लेके चलो जिधर मेरा मूड अच्छा हो जाए, मतलब एकदम खुश हो जाए। अच्छा खिलाते चलो। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेस। सो गाइज, अभी हम आए मेरा स्कूल फ्रेंड से मिले, बचपन का फ्रेंड है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। मिलते ज्यादा नहीं है तो इसलिए हमने सोचा कि इधर आए थोड़ा सा उससे भी मिल ले। तो चलिए अभी मिलते हैं उससे, तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है। हाय, कितने दिनों के बाद मिली हूं। बहुत अच्छा। ओह प्रीति, ये कौन है? ये भी मेरा बचपन का फ्रेंड है, अभी तक हम लोग फ्रेंड है, मतलब बर्थडे के टाइम में लास्ट मिले थे। उसका भी घर इधर ही है, मतलब कितना अच्छा। नहीं ये दोनों पास पास रहते हैं, और एक मेरा फ्रेंड है वो भी पास में, हम ही रहते हैं। तो सो गाइस, मेरे दो स्कूल फ्रेंड के साथ मिल लिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। अभी हम लोग आ गए हैं चाय की दुकान के पास, तो हमारा चाय अभी आ गया, मतलब रोड साइड के पास हम चाय पहली बार पी रहे हैं, तो इसका मजा कुछ और ही है। आप देख सकते पीछे कितना सारा गाड़ी जा रहा है, इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है भाई ने बोला, और दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो बहुत ही मस्त लग रहा है। तुमको कैसा लग रहा है मेरे साथ घूम के बताओ? अच्छा ही लग रहा है। हम है ही इतना अच्छे कि मेरे साथ जो भी रहता है उसको अच्छा ही लगता है। यार ये कितनी औसम है यार। तो चलिए अभी ये देखो चाय आ गया, तो चलो तो चाय पी के देखते हैं कि कैसा है इधर का चाय। बहुत ही अच्छा है, मुझे थोड़ा सा मतलब मीठा मीठा जो चाय होता है ज्यादा दूध देने वाला वो चाय हमको अच्छा नहीं लगता, तो इधर थोड़ा सा दूध कम दिया और बहुत ही मस्त बनाया चाय, तो मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। ये पूरा क्रेडिट जाता है मेरे भाई को, सो थैंक यू। चलिए अभी जल्दी जल्दी चाय पीते हैं, फिर हम लोग जाएंगे पकौड़ा की दुकान पे। लड़की कितना खाती है वे, कितना खाती है? खाना ही जिंदगी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अच्छा, समझ में नहीं आएगा तुमको, देख के पता चलता है। अच्छा, मैं तुमसे ज्यादा खाता हूँ। तुम मेरे को क्या रस्ते से कूड़ा के लाया? हमको वही लगता है। तो दिखाओ हम किस ढाबे में आए थे। तो बाप रे, पूरा मुंह के सामने आ गया। तो अभी हमने तंदूरी लिया, तो हो गया सब कुछ लेना। तो अभी भी घूमेंगे, घूमने का मन है, तो चलिए देखते हैं।
किधर जा रहे हो लड़की? पता नहीं उधर सामने कुछ है, मतलब इधर आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, झील का हवा आ रहा है कितना सुंदर। सो आपको हम बता देते हैं ये जगह है बीबीसी के एकदम पीछे की तरफ, तो उधर है बीबीसी, तो हम बीबीसी की तरफ नहीं जाएंगे। तो इधर हमको बस हम इस रास्ते से जा रहे थे तो हमको दिखा कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब इधर आके ना आप बहुत ही मस्त चिल कर सकते हो, मतलब रिफ्रेशमेंट का बहुत ही अच्छा सा जगह है। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा इधर भी एक्सप्लोर किया जाए। ये हमको कहाँ उठा के ले आए? सो गाइस अभी हम लोग आए मम्मी को सरप्राइज करें, मम्मी को पता नहीं कि हम अभी आए मम्मी के पास, क्योंकि अभी बहुत ही रात हो गई 9:30 बजे, तो मम्मी के लिए सारा खाना हम लेके आए क्योंकि मम्मी को बहुत ही पसंद है चिकन। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए। एक सच बात बताऊं? ये फंस गया सी है। रुको रुको, मैं सच बता रहा हूं, मैं दरवाजा नहीं खोला, ठीक है? फिर मेरे को फोन करी, फोन करने से बोली कि ठीक है तुम दरवाजा दोबारा बंद करो और फिर दरवाजा खोला, मेरे को वीडियो बनाना है। पूरा परेशान देख रहे, देवी नाटक कर रही हो, नहीं मतलब देख लो इसका सच्चाई, देख लो। नहीं ये सच्चाई नहीं है, झूठ बोला इसके बाद मत मान, ठीक है? सो गाइस फाइनली खाना खाने का टाइम आ गया, जो हमने खरीदा है 270 रुपीज में हमको इतना सारा चिकन का आइटम मिला। तो अभी हम थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे कितना टेस्टी है, तो चलिए तंदूरी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा। आप लोग उधर से खाना खा सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस दे देंगे। तो चलिए अभी खाने पे फोकस करते हैं। सो गाइस अभी घर जाने का टाइम हो गया है। तो गाइस आज का मतलब आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छा से बिताया हम लोगों ने, तो थैंक यू भाई, इतना अच्छा एक डे मतलब हैंग आउट देने के लिए। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में